कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं बात करें चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ में इसका प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए चंडीगढ़ में देर रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया है। इसको देखते हुए आज मनीमाजरा के शास्त्री नगर में बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर आईटी पार्क थाना प्रभारी शादीलाल शर्मा और सब इंस्पेक्टर दिलावर सिंह ने शास्त्री नगर निवासियों संग एक बैठक की। इस बैठक में थाना प्रभारी शादीलाल शर्मा ने स्थानीय लोगों को बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर जागरूक किया और कहा कि चंडीगढ़ में कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। थाना प्रभारी शादीलाल शर्मा ने स्थानीय लोगों से अपील की कि जब वह घर से बाहर निकले तो मुंह पर मास्क जरूर पहने ताकि कोरोना से बचा जा सके और प्रशासन द्वारा दी गई नियमों की भी उन्हें पालना करनी चाहिए। हमारे SHO साहब की अगुवाई में एक यहां कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी। वैसे तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए इतना सोचते हैं कि शायद ही किसी देश के प्रधानमंत्री ने सोचा हो। जितनी तारीफ की जाए वो शब्द ही नहीं है कि हम उनकी तारीफ करें, मगर उनकी अगुवाई में हमारे SHO साहब की भी अपनी सोच थी कि मैं भी अपना एक फ़र्ज निभाऊं और आज अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं। और जो हमारे यहाँ साथी हैं, इस कॉलोनी के मुखिया हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ये एक प्रोग्राम कराया था और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के कॉलोनी वासी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को बढ़ चढ़ के सहयोग दें। और मैं अपनी तरफ से, वैसे तो हमारे SHO साहब ने पहले बताया है और मैं अपनी तरफ से भी कहता हूँ कि मेरा यहाँ जितना स्टाफ है और मैं खुद हूँ, हम 24 आवर्स आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। किसी प्रकार की भी अगर हमारी ज़रूरत समझो तो हम 24 घंटे के लिए हाजिर हैं और एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। जब हमें आप जैसे कॉलोनी के मेन मुखियाओं का साथ है तो गारंटीड हम इस अभियान में सक्सेस होंगे। नाइट कर्फ्यू 10:30 बजे लगा है और मार्केट 10 बजे बंद कराने का ऑर्डर है। हम यहाँ लोगों को एक प्यार से जागरूक कर रहे हैं। यहाँ इतना पढ़ा लिखा शिक्षित एरिया नहीं है और आर्थिक रूप से भी बड़ा कमज़ोर है और काम बाहर प्राइवेट करने वाले ज़्यादातर आदमी हैं, मगर फिर भी ये लोग हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं और हम इनको जागरूक कर रहे हैं कि ना तो फालतू बगैर किसी काम के बाहर घूमें, मुंह पे मास्क लगाएं, गैदरिंग से बचें, अपने हाथ ज़्यादा से ज़्यादा बार कोशिश करें कि भाई हम हाथ साफ रखें, नाक पे मुंह पे मत लगाएं, जिससे इस कोरोना महामारी से हमारा और हमारे इस एरिया का बचाव रह सके। वहीं स्थानीय निवासियों ने आईटी पार्क थाना प्रभारी शादीलाल शर्मा का उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए आभार भी व्यक्त किया। आपको हेल्प की नीड है तो सर 24/7 रहते हैं और सर मेरे हिसाब से मैंने जो आज तक SHO से कॉन्टैक्ट किया उनमें कुछ चुनिंदा SHO में से हैं जो रात को चाहे 2:30 बजे कॉल करो, 3 बजे कॉल करो, किसी भी काम के लिए। सर ने कॉल उठाई और कभी ये रिस्पॉन्स नहीं किया कि मुझे 3 बजे क्यों कॉल करी है। सर ने सीधा ये पूछा कि क्या काम हुआ, बोलो क्या दिक्कत आई है। और रात को 3 बजे हमारा जमाया हुआ है, सर ने तब भी हेल्प की है, तो पुलिस और हमारे SHO साहब हेल्प किए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि दिन प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते हुए मामले चिंता का विषय बनता जा रहा है और वहीं यूटी प्रशासन ने गुरुवार को 11 नए कंटेनमेंट जोन की भी घोषणा की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।